Kazuko. और इंशाल्लाह तराजू को पूरा मोहल्ला है। साईं की बात सही है कि भाई एक से दो, दो से चार, अगर इतने ही अपन रोड पे अगर निकलेंगे तो अपना काम होगा, बेशक होगा, क्यों नहीं होगा। मोहल्ला है भाई, मरना है जीना है हर किसी ने इन्हीं अपने साथ। दूसरा तो बाद ये चाहते हैं, देखें हमारे यहाँ पर पार्टी है, ठीक है, एक तो तराजू, हमें तो दूसरों का पता नहीं है कि क्या है, हमें किस कंडीशन में उनसे काम करना है, कोई कंडीशन में उनसे काम नहीं करना। अब ये तो आप लोगों के सामने है किस मौके पे जो है ना अलखिदमत फाउंडेशन हमारे काम आया है और किस उसमें जो है ना ये राशन तकसीम करते हैं हर घर घर में जाकर। आप किसी भी पार्टी को कोई आपके पास अभी आता है कि भाई आप हमें वोट दे दीजिए, अभी ये कर लीजिए, बाद में आपके पास कोई भी याद नहीं करता आपको, दुख सुख में अलखिदमत आपको का याद करती है, ठीक है। तो आप मेहरबानी करके जो भी आपके वोट हैं वो आप तराजू को दीजिए। उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं कोशिश करता इन नौजवानों को मुनज़्ज़िम करने की, इन नौजवानों को अपने साथ जोड़ने की, तो शायद कोई बेहतर हालात पैदा कर सकता था। इसलिए मैंने फिर नौजवानों से काम लेना शुरू किया। अभी काम का सिलसिला जारी था कि कोरोना का एक बहुत बड़ा डिजास्टर रोनुमा हुआ। प्यारे भाइयों, मेरी उम्र तकरीबन 54 साल हो गए और मैं इलेक्शन ड्यूटियां भी देता रहा हूं, इलेक्शनों में वोट भी डालता रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी मुखलिस लोगों को नहीं देखा जैसा कि अलखिदमत को पाया मैंने, खासकर करोना में। उसके अलावा भी इनकी खिदमात लाजवाल हैं, इनकी खिदमात लाजवाल हैं, जो गिनती में शुमार में नहीं आती, सिर्फ महसूस की जा सकती है कि अलखिदमत कितना बड़ा इदारा है और कितनी खिदमत कर रहा है। अगर हम उसको महसूस करके चलेंगे ना, तो मैं नहीं समझता कि आइंदा की क़यादत हम सब